अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल डिलाइटफुल डिशेस में। उम्मीद करती हूँ सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग स्टाइल में लौकी और आलू का रायता। ये रायता रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। दो हमने आलू लिए हैं, लौकी लिए हमने एक। सबसे पहले हम इसे बॉयल कर लेंगे। एक पोट लिया है, पानी ऐड किया है 3 से 4 ग्लास। लौकी और आलू को हम साथ ही बॉईल करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं इसे बॉईल होने में। लौकी और आलू बॉईल हो गए। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया 1/2 टीस्पून। अब हम इसे सॉटे कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। प्याज ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़। चॉप की हुई प्याज ऐड किए। टमाटर ऐड करेंगे 1। हरी मिर्च ऐड करेंगे 3 से 4। आप हरी मिर्चों को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। कुटी हुई मिर्चा ऐड किए हैं 1 टीस्पून। नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून। मसाले को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए लौकी और आलू ऐड करेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। दही लिए हमने 1 पाव। चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो लौकी और आलू का तड़का रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा से तड़का लगा लेंगे। ऑयल हमने ऐड किया है, साबुत मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस तरह से हमने तड़का लगा लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप सब बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि लौकी और आलू का रायता कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।